कराची से खैबर तक में खुश आमदीद। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। जिहलम पिंडदादन खान मोटरवे के करीब मुसाफिर वैन टायर फटने से हादसे का शिकार, छह अफराद जां बहक जबकि आठ जख्मी हो गए। नारोवाल मेडिकल कॉम्प्लेक्स से डॉक्टर की लाश बरामद हुई, पुलिस का कहना है कि डॉक्टर की मौत से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। पंजाब के तमाम छोटे बड़े शहरों में बिजली की 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। कोटद्दू, शाहकोट और खानेवाल में बिजली की गैर ऐलानिया तवील लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरे। सांगला हिल में बिजली की खस्ता हाल तारे गिरने से गंदम की फसल को आग लग गई, लाखों रुपए मालियत की गंदम जलकर राख। सरापा एहतजाज, काश्तकारों ने नुकसान के अजाले का मुतालबा किया है। टेक सिंह के गंदम खरीदारी मरकज में बारदाने की गैर मुनसिफाना तकसीम, बारदाना सिर्फ मनपसंद अफराद को ही दिया जाता है। सरापा एहतजाज, किसानों की दुहाई। मुल्तान में बूंदाबांदी, ठंडी हवाओं ने गर्मी की शिद्दत कम कर दी, गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया है। सियालकोट में रंगारंग फैशन शो का इनेकाद, मॉडल्स ने मौसम गर्मा के मलबूसात पहनकर रैंप पर कैटवॉक की। खैरपुर में पीने के पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, जिले इंतजामिया ने कोशिशें तेज कर दी, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के मुताबिक खराब मशीनों की मरम्मत जारी है। हैदराबाद के सरकारी स्कूल्स में मुफ्त दाखला मुहिम बुरी तरह से नाकाम, दाखला फॉर्म 200 से 300 रुपए में फरोख्त, स्कूल्स में दाखला फॉर्म के साथ साथ किताबें भी नायाब हैं। मेयर हैदराबाद सैयद तैयब हुसैन की जेर निगरानी सफाई मुहिम जारी, कहते हैं बल्दियाती मसाइल के हल के लिए किसी खिदमत से दरेक नहीं करेंगे, बिला इम्तियाज खिदमत पर यकीन रखते हैं। तालीम के फरोग के लिए फाटा में तालीमी इमरजेंसी नाफिज, पारा चिनार में तालीम की अहमियत को उजागर करने की गर्ज से तकरीब का इनेकाद, आगाही वॉक भी की गई। जाफराबाद में ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से मुतालबात के हक में एहतजाज, मुजाहरीन की चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद न होने पर एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने की धमकी। हब में पैरामेडिकल स्टाफ मुतालबात की अदम मंजूरी पर सरापा एहतजाज, मुजाहिरीन ने कोयटा जाने वाली रैली के शुरुका पर पुलिस तशद्दुद की मुजम्मत भी की। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सुबह पंजाब से। जिहलम में पिंडदादन खान मोटरवे के करीब मुसाफिर वैन टायर फटने से हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में छह अफराद जां बहक और आठ शदीद जख्मी हो गए। पिंडदादन खान के इलाके टोबा से जायरीन वैन में दरबार पीरदा रखा जा रहे थे कि मोटरवे अल्लाह इंटरचेंज के करीब लोकल रूट पर गाड़ी का टायर फट गया और वो बेकाबू होकर पुल से नीचे जा गिरी। हादसे के नतीजे में छह अफराद जां बहक और आठ शदीद जख्मी हो गए,
जहाँ बहक अफराद में 4 मर्द और 2 खवातीन शामिल हैं। मुतवफियान का ताल्लुक एक ही खानदान से है। जख्मियों को रूरल हेल्थ सेंटर और हेल्थ तहसील क्वार्टर हस्पताल मुंतकिल किया गया। तमाम जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। नारोवाल से खबर आपको देंगे, जहां पर मेडिकल कॉम्प्लेक्स से डॉक्टर की लाश बरामद हुई है। डॉक्टर फहद 1 साल से नारोवाल में रिहाइश पजीर था। पुलिस का कहना है कि डॉक्टर की मौत से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात देंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज़ मोहम्मद हुमायूं से। हुमायूं बताइएगा, अब तक क्या पेशरफ्त हो सकी है तहकीकात में? जी बिल्कुल, ये नारोवाल सुगरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर डॉक्टर फहद महमूद नामी एक डॉक्टर थे, जो यहाँ पर पिछले 1 साल से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये चाइल्ड वार्ड में ड्यूटी देने के बाद अपने कमरे में आके सुबह सो गए। पिछले टाइम तक जब ये नहीं उठे तो फिर करीबी जो इनके कोलीग थे उन्होंने इनको दरवाजा खटखटा के उठाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा ना खुला तो उन्होंने अपने एडमन को इत्तला की। एडमन ने जब शीशा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो ये पुरसरार तौर पर इनकी लाश वहां पर पड़ी हुई थी। उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर फर्दर कार्रवाई जो है वो शुरू कर दिया है। हमारे जराये में ये भी इतला आई है कि इनके जो वालदैन अहले खाना है, जो पसरूर के करीब रहायशी थे वहाँ के, उन्होंने किसी किस्म की भी कोई कार्रवाई ना करवाने का जो है वो फैसला किया है और इसे कुदरती मौत जो समझ कर जो है वो अपनी लाश लेकर अपने गांव रवाना हो गए हैं। जी शुक्रिया मोहम्मद हुमायूं, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको अहम खबर देंगे। डीएसक्यू अस्पताल गुजरावाला में अमले की गैर हाजिरी मामूल बन गई है। काउंटर और शोभाजात से अमला गायब है, जिसकी वजह से मरीज मुश्किलात का शिकार हैं। सैकड़ों मरीज बगैर चेकअप के वापस जाने पर मजबूर हो गए हैं। गुजरावाला से आपको ये खबर दे रहे हैं। डीएचक्यू अस्पताल जहां पर एक बड़ी तादाद मरीजों की आती है और यहां पर अमला गैर हाजिर रहता है। अमले की गैर हाजिरी मामूल बन गई है। काउंटर और दीगर शोभाजात से अमला गायब है, जिसकी वजह से मरीज मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। बात करेंगे लोड शेडिंग के हवाले से। खानेवाल में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ पीपल्स पार्टी की जानिब से एहतजाजी कैंप लगाया गया। हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा किया गया। पीपल्स पार्टी जिला खानेवाल की जानिब से बिजली की गैर ऐलानिया तवील लोड शेडिंग के बाइस एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मुजाहिरीन में मौजूद मीनार पाकिस्तान पर टेंट लगाकर लोड शेडिंग का रोना रोने वाले खादिम आला पंजाब अब लोड शेडिंग का नाम लेना भी गुनाह समझते हैं। इन मुजाहिरीन ने कहा कि 6 माह में लोड शेडिंग खत्म करने के नारे लगाने वाले शोबाज हुक्मरान 4 साल में भी तवानाई बहरान हल करने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। उन्होंने गैर ऐलानिया तवील लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा किया। अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे। विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर से, जहां पानी का बहरान संगीन हो गया है। अस्पताल में मरीजों और उनके लवाहिकीन के लिए पानी दस्तयाब नहीं है, जबकि अस्पताल इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। एक बार फिर से आपको ये खबर देंगे। विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर की बात कर रहे हैं, जहाँ पर पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। अस्पताल में मरीजों और उनके लवाहिकीन के लिए पानी मौजूद नहीं है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। तफसीलात लेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज़ चौधरी अशरफ से। अशरफ, आगाह कीजिएगा, इंतजामिया का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में मरीजों और लवाहिकीन और मासूम बच्चों के लिए पानी बिल्कुल नायाब हो गया है और विक्टोरिया अस्पताल की इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। और बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल के वार्ड में मरीजों लवाहिकीन और मासूम बच्चों को पानी का पानी नहीं मिल रहा। इस शदीद गर्मी में मरीजों के साथ साथ मासूम बच्चे भी बिलबिला उठे हैं। पूरे विक्टोरिया अस्पताल के वार्ड में पानी की शदीद कमी है। मरीज लवाहिकीन और मासूम बच्चे पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। इस क्यामत खेज गर्मी में बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल के वार्ड पानी नहीं है। अवाम ने वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ और आला हकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका।
अभी आपको कराची से ब्रेकिंग न्यूज देंगे। सिंध रेंजर्स के 90 दिन के इख्तियारात की मंजूरी दे दी गई है। मंजूरी सिंध काबीना के इजलास में दी गई है। सिंध काबीना के इजलास में मंजूरी दे दी गई है। सिंध रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से 90 दिन के लिए इख्तियारात सौंपे गए हैं सिंध रेंजर्स को। और आज ये अहम इजलास था सिंध रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से, इसमें बातचीत तय होनी थी। अब 90 रोज के लिए इख्तियारात सिंध रेंजर्स को मिल गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे जावेद कायम खानी से। जी जावेद बताइएगा। बिल्कुल जी, वजीर आला सिंध सैयद मुआद अली शाह की जेर सदारत सिंध काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जो है चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर आला वज़रा ने जो है वो इसमें शिरकत की, जिसमें रेंजर्स इख्तियारात के मामला भी जेर गौर है, जिसमें सेक्रेटरी दाखिला शाहिद परवेज ने जो है तमाम तरजीहत ब्रीफ किया। इजलास में बताया गया कि रेंजर्स के इख्तियारात का मामला जो है वो वफाकी हुकूमत के कहने पर जो है सिंध के अंदर इख्तियार दिए गए थे और इसकी तैनाती जो है आर्टिकल 147 के तहत की जाती है। इसके अलावा रेंजर्स का काम सिर्फ सिंध हुकूमत की हिदायत के ऊपर जो है पुलिस और दीगर इदारों की मुआवनत करना, ना कि खुद से जो है वो इख्तियार नहीं है किसी भी किस्म की कार्रवाई करने का। लेकिन इसके बाद जो है जैसे जो पहले इख्तियार रेंजर्स के पास मौजूद थे उनके अंदर तौसी कर दिए, 90 दिन के लिए इख्तियार दे दिए गए, जिसके अंदर 90 दिन के लिए डिटेंशन जो है वो भी रखने का इख्तियार जो है वो भी दे दिया गया। अब से कुछ देर पहले जो है इजलास के अंदर ये फैसला किया गया कि रेंजर्स को सुबह भर के अंदर जो है खसूसन कराची में 90 रोज के लिए इख्तियार जो है इसकी तौसी कर दी गई है। 90 दिन तक जो है 90 दिन की मजीद बढ़ा दी है इसके अंदर। इसके अलावा इजलास के अंदर जो है खजाना सेक्रेटरी जो है उन्होंने भी ब्रीफ किया हसन नकवी, जिनका ये कहना था कि सिडजी पेपर जो है वो 2017-2020 जो उन्होंने पेश किया था, जिसके अंदर तमाम तर जो सिंध हुकूमत की महकमा जाती जो तरक्याती मंसूबे हैं, तरजीहत हैं, पॉलिसीज हैं, हिकमत अमली और दीगर वसाइल हैं, उनकी अलोकेशन की गई थी और वादे किया था कि आइंदा जो बजट है उसके अंदर क्या क्या काम किए जाएंगे। जी जावेद, ये बताइए कि जो बात हो रही है सिंध रेंजर्स के जो इख्तियारात हैं उनकी मंजूरी हो गई है मजीद 90 रोज के लिए, तो इख्तियारात जो कि पहले मौजूद थे सिंध रेंजर्स के पास खसूसी इख्तियारात में जिनमें छापामार कार्रवाइयां भी थीं, क्या वो तमाम इख्तियारात वापस मिल गए हैं या उनमें कोई रद्दोबदल भी हुआ है? बिल्कुल जी, 15 अप्रैल को ये दोबारा तौसी थी जानी थी, 15 अप्रैल को ये पूरे हुए थे, लेकिन आज से 6 रोज गुजरने के बावजूद जो है इस पर अमल दरामद नहीं किया गया था। लेकिन आज के इजलास में फैसला किया गया, मामला कहीं तक तय थे कि रेंजर को सिर्फ इख्तियार दिए जाएंगे और खसूसी इख्तियार जो है उन पर जो है तहफुजात का इजहार था सिंध हुकूमत की जानब से। इसलिए गुज़िश्ता कई कार्रवाइयों के अंदर जो है सिंध हुकूमत के वज़रा से ताल्लुक रखने और उनकी पार्टियों इदारों से ताल्लुक रखने वाले फ्रंट मैन जो है उनके खिलाफ रेंजर ने कार्रवाई की थी, जिसके बाद जो है ये 15 अप्रैल को बढ़ाए जाने थे इख्तियारत, इसमें जो है वो वक्फा आया और वो 15 अप्रैल के बजाय जो आज उन्हें मंजूर किया गया, जिसके अंदर खसूसी तौर पर स्पेशल टास्क फोर्स के जरिए जो है वो खसूसी कार्रवाई करने का इख्तियारत हासिल था रेंजर्स को। इसके साथ जब जो है किसी भी मुलजिम को अदालत में पेश कर जो है 90 रोज के लिए खसूसी इख्तियारत के तौर पर अपने डिटेंशन पे रखा जाता तो तफ्तीश के लिए वो इख्तियारत रेंजर्स को हासिल थे, जिस पर जो है तहफुजात का इजहार था सिंध हुकूमत का, जिसके बाद आज जो है वो तमाम तर इख्तियारत छापामार कार्रवाई 90 रोज के लिए अपनी तहवील में रखकर तफ्तीश करना और उसके बाद अदालत पेश करना तमाम तर इख्तियार जो है आज इस इजलास में फैसला किया गया है सिंध काबीना के। और आज जो है तमाम तर इख्तियार जो है 90 रोज के लिए, इसका टाइम पीरियड जो है 90 दिन है, मतलब 3 माह जो है इसको बढ़ा दिए गए हैं। जी जावेद, ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि 90 रोज के लिए अब इख्तियारात मिल गए हैं सिंध रेंजर्स को, तो अब जैसे कि तायुनाती उनकी नहीं हो रही थी, वो शहर भर से हट गए थे, नाकाबंदी का सिलसिला भी बंद हो गया था, तो नोटिफिकेशन कब तक मुतवक्के है कि दोबारा सिंध रेंजर्स अपना काम उसी तरह से जारी करेगी? बिल्कुल जी, नोटिफिकेशन इशू होने के बाद ही जो है सिंध रेंजर्स को चेके तर्जुमान को जब ये नोटिफिकेशन मिलेगा उसके बाद ही, जैसे कि पहले ही शहर भर के अंदर मुख्तलिफ जो एग्जिट और एंट्रेंस पॉइंट थे शहर के, वहां पर स्नैप चेकिंग की जाती थी और गाड़ियों को रोककर तलाशी ली जाती थी। इसके अलावा ऐसे हसास इलाके थे, लियारी है साउथ से कुछ एरियाज हैं, औरंगी और कोरंगी के कुछ मुजाफाती इलाके हैं जहां पर दहशतगर्दों की मौजूदगी या नकलो हमल की अमल देखी जाती थी, वहां पर जो है चौकियां कायम की गई थी रेंजर्स की जानिब से। उन तमाम जगहों से जो है रेंजर्स ने अपने बटालियन और अपने हेड ऑफिस में जो है इन तमाम रेंजर्स एहलकारों को चौकियों को खाली करके वापस बुला लिया था। सिर्फ वजीर आला सिंध और इसके अलावा जो है गवर्नर सिंध के पास और जजेस के ऊपर जो मामूर थी सिक्योरिटी वो उनके पास, वो वहां पर रेंजर्स तैनात थी, लेकिन बाकायदा तमाम शहर और बल्कि सुबह की मेन चौराहों पे से भी जो है रेंजर्स
रेंजर्स एहलकार जो है रेंजर्स की तमाम तर एहलकार वापस बुला लिए गए थे, लेकिन अब नोटिफिकेशन जब जारी होगा तो उसके बाद ही जो है सुपर हाईवे का इलाका है और नादरन बाईपास है, इसके अलावा लियारी का इलाका है और इसके अलावा मुजफ्फाती कराची के इलाके जो है जहाँ पर दहशतगर्दों के लिए अमल का खतरा होता है उन तमाम मकाम पर दोबारा से सिंध रेंजर्स की नफरी ताकुनात कर दी गई ही। बहुत शुक्रिया जावेद कायम खानी तफसीलात के लिए आपका। खबर आपको देंगे खानीवाल से, जहां पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मुतादित तजावुजात को भारी मशीनरी से मिसमार कर दिया गया। खानीवाल के बल्दियाती चेयरमैन तजावुजात के खात्मे के लिए हरकत में आ गए। शहर के तमाम बड़े बाजारों में कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए दुकानों के आगे कायम तजावुजात मिसमार कर दी गई। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया के हमरा, असिस्टेंट कमिश्नर, टीएमए का अमला और पुलिस अहलकार भी मौजूद थे। बल्दियाती चेयरमैन का कहना था कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी है, जिसमें जिला इंतजामिया भी भरपूर तावुन कर रही है। उनका कहना था कि तजावुजात खत्म करने के बाद मुख्तलिफ इलाकों में मॉनिटरिंग टीमें मुकर्रर की जाएंगी ताकि फिर से तजावुजात कायम ना हो सकें। शेखुपुरा के इलाका मकीन आब हयात के लिए घंटों लाइनों में लगने पर मजबूर हो गए। आवाम निजी नेशनल फिल्ट्रेशन प्लांट से पीने का शफाफ पानी हासिल करने लगे। हुकूमत की जानिब से साफ पानी की फराहमी के लिए लगाया गया ट्यूबवेल 10 साल से बंद पड़ा है। शेखुपुरा के इलाके जोयावाला मोड़ और दीगर इलाकों के रिहायशी बच्चे हों या बूढ़े आब हयात के लिए 3 किलोमीटर सफर करके घंटों लाइन में लगकर निजी कंपनी के फिल्ट्रेशन प्लांट से पीने का साफ पानी लेने पर मजबूर हैं। शहरियों ने बताया कि 10 साल कबल हुकूमत की जानिब से नष्ट किया जाने वाला पानी का ट्यूबवेल अदम तवज्जोही के बाइस नकारा हो गया, जबकि इमारत पर बासर अफराद काबिज है। मैं हाथ से आती हूँ, घर साफ पानी नहीं होता, हम रोज यहाँ भरने आते हैं पानी, रोज आते हैं सुबह घंटा घंटा खड़े होते हैं, पानी नहीं मिलता सही टाइम से, लाइन पे लगना पड़ता है। बेबस और मजबूर इलाका मकीन बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए हुकूमत की तवज्जो के मुंतजिर हैं। उनका कहना था कि बिजली की लोड शेडिंग का अजाब क्या कम था, जो अब पानी की अदम दस्तियाबी का भी सामना है। सांगला हिल में बिजली की खस्ता हाल तारें गिरने से गंदम की फसल को आग लग गई। सरापा एहतजाज किसानों ने नुकसान के अजाले का मुतालबा कर दिया। सांगला हिल के नवाही गांव में बिजली की तारें टूटकर खेतों में जा गिरी, जिससे गंदम की फसल को आग लग गई। आग लगने से 25 एकड़ अराजी में खड़ी गंदम की फसल जलकर राख हो गई। जमींदारों ने वापडा के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि खेतों में मौजूद बिजली की तारें खस्ता हाली का शिकार हो चुकी थी। SDO और एक्सिन को बार बार इत्तला दी गई, मगर उन्होंने गफलत का मुजाहिरा किया। उन्होंने कहा कि तारें टूटकर खेतों में गिर गईं, जिससे उनकी लाखों रुपए मालियत की गंदम जलकर राख हो गई। उन्होंने वजीर आला पंजाब और वापडा के आला हुकाम से नुकसान के अजाले का मुतालबा किया है। टोबा टेक सिंह गंदम खरीदारी मरकज में बारदाने की गैर मुनसिफाना तकसीम का अमल जारी है। सेंटर में किसानों की लंबी कतारें लग गई। काश्तकार सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि बारदाना सिर्फ मनपसंद अफराद को ही दिया जाता है। टोबा टेक्सिंग गंदम खरीदारी मरकज में बारदाने के हसूल के लिए किसानों की लंबी कतारें हैं, मगर अफसरान मुबैना तौर पर अपने मनपसंद अफराद को बारदाना दे देते हैं। शदीद गर्मी और धूप में किसान अल सुबह ही खरीदारी मरकज पहुंच जाते हैं, मगर घंटों इंतजार के बाद इन्हें वापस खाली लौटना पड़ता है। अभी इन्होंने 2 बजे ऐलान करना है कि आपकी बारी नहीं आई, आप कल आना, और कल भी ऐसे ही होना है कि जब हमारी बारी आनी है ना तो वो लाइन खत्म हो जानी है, कहना वो टारगेट पूरा हो गया आप जाए, और पिछली दफा भी ऐसा ही हुआ था। मुश्किल ये है कि हम जब लाइनों में लगते हैं हमारी फाइलें पकड़ के रख लें, 1 हफ्ते का टाइम दे दें, 10 दिन का दे दें, ये रश ना हो। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मरकज खरीदारी गंदम पर किसानों का एहतसाल बंद किया जाए और उन्हें गंदम की फरोख्त के लिए बारदाना फराहम किया जाए। मुस्लिम लीग नून के जिलाई सदर और MPA आरिफ खान संधेले का कहना है कि पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए हुकूमत अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूएकार ला रही है। MPA आरिफ खान संधेला ने शेखुपुरा के मोहल्ला पीर बिहार शाह चांदनी चौक में तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शहर में तरक्याती कामों का जाल बिछाया गया है और आइंदा 6 माह में शेखुपुरा पेरिस का मंजर पेश करेगा। लोड शेडिंग के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2018 तक मुकम्मल लोड शेडिंग खत्म कर दी जाएगी। मजीद कहा कि आवाम का मयार ज़िंदगी तब्दील करने के लिए हुकूमत की जानिब से तामीराती काम जारी हैं। MPA ने कहा कि CPAC मंसूबा मुकम्मल होने से मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा।
منڈی بہاؤدین کے حلقہ این اے 108 میں سوئی گیس فراہمی کا آغاز کر دیا گیا جس سے سینکڑوں دیہات مستفید ہوں گے۔ رکن قومی اسمبلی ممتاز احمد تارڑ نے سوئی گیس منصوبے کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایم این اے کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت شہریوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے کیونکہ عوامی مسائل حل کرنے سے معاشی ترقی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ 15 سال کے مسائل حل کر کے علاقے میں ترقی اور خوشحالی کے دور کو لانے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ توبہ ٹیک سنگھ شہر کے مسائل سے متعلق اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا جس میں چیئرمین بلدیہ اور دیگر نمائندگان نے شرکت کی۔ اس موقع پر مسائل کے فوری حل کے لیے بلدیہ کاؤنسل کی جانب سے واٹس ایپ نمبر فراہم کیا گیا جس پر عوام اپنی شکایات ویڈیوز اور تصاویر کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں سلطان محمود کی یہ رپورٹ۔ توبہ ٹیک سنگھ پاکستان تحریک انصاف پی پی 86 کے رہنما میاں کاشف شفاق اور چیئرمین بلدیہ غلام نبی نے میونسپل کمیٹی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں سیوریج سسٹم کی بہتری اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے میونسپل کمیٹی توبہ میں ماڈرن سینٹر قائم کیا جائے گا۔ پریس کانفرنس کے موقع پر جنرل کونسلز میں شہری بھی موجود تھے۔ میاں کاشف شفاق نے کہا کہ مسائل کے فوری حل کے لیے واٹس ایپ نمبر دیا جائے گا۔ میاں کاشف شفاق نے کہا کہ شہر کی ابتر حالت کے اصل ذمہ دار موجودہ ارکان اسمبلی ہیں جو 7 سال سے عوام کو سہولت کی فراہمی میں مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ میاں کاشف شفاق نے کہا کہ اندرون شہر جدید پارکنگ سسٹم اور رکشہ سٹینڈ بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شہر کی مین سڑکوں کی تعمیر و مرمت جاری ہے۔ تجاوزات کے خاتمے اور مختلف مقامات پر ٹوائلٹس بلاک بنانے کے لیے جامعہ منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ چیئرمین بلدیہ غلام نبی مٹھو نے کہا کہ 4 سال قبل رجانہ روڈ کی کشادگی اور تعمیر کے وقت سڑک کے نیچے 18 فٹ گہرائی پر واقع سیوریج مین ہول کو دبا دیا گیا جس سے شہر کا سیوریج سسٹم خراب ہو گیا ہے جس کی بہتری کے لیے دن کام جاری ہے۔ کیمرامین رشید انجم کے ساتھ سلطان محمود، توبہ ٹیک سنگھ۔ لاہور کے علاقے بھگوان پورہ چائنا سکیم میں فری آئی کیمپ لگایا گیا جہاں لوگوں کو فری ادویات کی فراہمی کے علاوہ آنکھوں کا آپریشن بھی مفت کیا جا رہا ہے۔ نگینہ اسپتال لاہور کی جانب سے لگائے گئے فری آئی کیمپ میں ماہر ڈاکٹر اجمل نسات لوگوں کا فری علاج کر رہے ہیں۔ کیمپ میں چیک اپ، لیزر اور ادویات کے ساتھ ساتھ سفید موتیے کے مریضوں کا مفت آپریشن کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد چیک اپ کروانے کے لیے موجود رہی۔ انہوں نے فری آئی کیمپ کے انعقاد پر خوشی کا اظہار کیا۔ فری آئی کیمپ کل بھی جاری رہے گا۔ اور اب بات کریں گے موسم کی تبدیلی کے حوالے سے۔ ملتان میں بوندا باندی اور تیز ہواؤں نے گرمی کی شدت کو کم کر دیا۔ گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے ستائے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ اولیاء کرام کی سرزمین کے موسم کا احوال بتا رہے ہیں اعجاز ترین اپنی رپورٹ میں۔ ملک کے کئی شہروں کی طرح ملتان اور گرد و نواح کا موسم بھی خوشگوار ہو گیا۔ گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے ستائے ہوئے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ صبح سے ہی ملتان میں گرد آلود ہوائیں چل رہی ہیں جنہوں نے موسم کو حسین بنا دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں تک گرد آلود ہوائیں چلتی رہیں گی اور بارش کا بھی امکان ہے۔ ملتان کے شہریوں کے لیے ایسا خوشگوار موسم کسی نعمت سے کم نہیں اور شہری اس موسم کو خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں ملتان میں پڑنے والی شدید گرمی نے شہریوں کو خاصا پریشان کیا ہوا تھا اور درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا تھا، اور آج قدرت کی خاص کرم نوازی سے گرمی کی شدت کم ہوئی۔ ملتان کے شہری اس موسم کو خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ ایسا موسم ملتانیوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ کیمرامین مختار احمد کے ساتھ اجاز ترین، فاکس نیوز ملتان۔ حاصل پور کے گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول کو اپ گریڈ کر کے ہائی اسکول کا درجہ دے دیا گیا۔ اس موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ بچوں کی رنگا رنگ پرفارمنس نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ حاصل پور کے نواحی علاقہ میں قائم گرلز مڈل اسکول کو اپ گریڈ کر کے ہائی اسکول کا درجہ دے دیا گیا۔ سوالے سے منعقدہ تقریب کے مہمان خصوصی رکن پنجاب اسمبلی افضل گل تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کا خواب پڑھا لکھا پنجاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی خدمت نون لیگ کا منشور ہے۔ اسکول میں زیر تعلیم طالبات کا کہنا تھا کہ انہیں خوشی ہے کہ اسکول اپ گریڈ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اسکول کی بلڈنگ اور اساتذہ کی تقرری کو بھی فوری یقینی بنایا جائے۔ گرلز ڈگری کالج جو کہ چھونا والا میں وہ میں نے بنوایا تاکہ ہماری بچیاں گھر میں بیٹھ کر نزدیک ترین ان کو جو ہے وہ تعلیم سہولت مل سکے۔ اس موقع پر بچوں نے رنگا رنگ پروگرام پیش کیا جسے حاضرین نے خوب سراہا۔ تقریب کے اختتام پر نمایاں کارکردگی دکھانے والوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔
अर्थ डे की बात करेंगे। सियालकोट में आलमी अर्थ डे के मौके पर जमीन की अहमियत को उजागर करने की गर्ज से नन्हे तुलबा ने रैली निकाली। वॉक का एहतमाम निजी स्कूल की जानिब से किया गया। नन्हे तुलबा और तालिबात ने हाथों में जमीन से मोहब्बत के नारों वाले प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। शुरका पोस्टमार्टम चौक पहुंचे और चंद मिनट क्याम के बाद मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए वापस स्कूल पहुंच गए। शुरका का कहना था कि अर्थ के बारे में कौम को आगाही नहीं है और आज की वॉक का मकसद शहरियों में जमीन की अहमियत को उजागर करना। तुलबा तालिबात का कहना था कि आलूदगी गंदगी समेत दीगर मसाइल जमीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लिहाजा हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा भक्कर कैंपस में 7 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला की तकरीबा तमाम तर रनाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। आखिरी रोज़ तुलबा ने खूबसूरत परफॉर्मेंसेस पेश करके खूब रंग जमाया और माहौल को गरमाए रखा। तुलबा ने खाकों के जरिए हालात हाजरा की मंजरकशी भी की। इमरान असलम की रिपोर्ट देखिए। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा सब कैंपस भक्खर में स्पोर्ट्स गाला की 7 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गईं। स्पोर्ट्स गाला के इख्तिताम पर भक्खर कैंपस इंतजामिया की जानिब से एक पुरवकार तकरीब का इनाकाद अमल में लाया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा डॉक्टर इश्तियाक अहमद थे। तकरीब में पहुँचने पर मेहमाना ने ग्रामी का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। तकरीब में MNA डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान डांडला, MPA गजनफर अब्बास चीना, डिस्ट्रिक्ट कोआर्डिनेटर अवाम दोस्त फाउंडेशन मलिक अहमद खान के सियासी समाजी तालीमी हलकों ने भरपूर शिरकत की। वाइस चांसलर डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने अपने खिताब के दौरान भक्खर में सरगोधा यूनिवर्सिटी भक्खर कैंपस इंतजामिया के किरदार को सराहते हुए कैंपस के तलबा व तालबात में पाए जाने वाली सलाहियतों को भी सराहा। ये इतना बड़ा एसेट है क्योंकि हमेशा मैं सोचता हूँ कि जो रिलेटिवली यंगर लोग होते हैं वो प्रेजेंट में रहते हैं और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। इस मौके पर डायरेक्टर कैंपस भक्खर जाहिद हुसैन चौहान ने भी अहलियान भक्खर के लिए भक्खर कैंपस की जानिब से उठाए जाने वाले इकदामात बयान करते हुए खिदमत के इस मिशन को जारी रखने का अजम किया। अजाम बाद तलबा व तालबात की जानिब से टैबलो मिली नगमे और हालात हाजरा के मुताबिक करप्शन दहशतगर्दी अमरीत और जमहूरियत पर खाके पेश करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। तकरीब के इख्तिताम पर स्पोर्ट्स गाला में नुमाया पोजीशंस हासिल करने वाले तुलबा व तालबात में इनामात तकसीम किए गए और उनकी हौसला अफजाई भी की गई। सियालकोट में मौसम गर्मा के मलबूसात की नुमाइश के लिए फैशन शो का इनेकाद किया गया। मॉडल्स ने रंग भरंगे मलबूसात पहनकर कैटवॉक की। सियालकोट में फैशन शो मुनक्किद हुआ। फैशन शो में नौजवान लड़कों लड़कियों ने डिजाइनर्स के तैयार करदा मौसम गर्मा के मलबूसात पहनकर रैंप पर कैटवॉक की। शुरका ने फैशन शो में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। फैशन शो में मौसीकी का भी एहतमाम किया गया। मुकामी गुलकारों की गायकी ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। इस मौका पर मुंतजमीन का कहना था कि टैलेंट की कमी नहीं है, अगर हुकूमत फैशन इंडस्ट्री की जानिब तवज्जो दे तो इससे बड़ा जर मुबादला हासिल हो सकता है। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे खैरपुर से, जहां पर बढ़ते हुए मीठे पानी के बहरान के बाद जिला इंतजामिया की कोशिशें जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन शहरियार वसान के मुताबिक खराब मशीनरी की मरम्मत भी की जा रही है। वक्त न्यूज ने एक हफ्ता कबल इस बहरान की खबर नशर की थी जिसके ऊपर इंतजामिया हरकत में आ गई है। तफसीलात लेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज वकार हुसैन से। वकार, बताइए किस हद तक कोशिशें की जा रही है इस बहरान पर काबू पाने के लिए? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर खैरपुर सलीम राजपूत ने जो है वक्त न्यूज की खबर पर एक्शन लेते हुए जिले इंतजामिया को मीठे पानी फराहम करने की हिदायत कर दी है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि खैरपुर के शहरी मुझे SMS के जरिए इतला दे रहे हैं कि खैरपुर शहर में पानी की किल्लत है, आप लोग क्या कर रहे हैं, बराए मेहरबानी खुदा से डरे और शहरियों को 48 घंटों के अंदर जो है मीठा पानी फराहम करें। जी
بہت شکریہ وقار حسین تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اسی حوالے سے مزید بات بھی کریں گے چیئرمین ڈسٹرکٹ خیرپور شہریار وسان سے۔ شہریار صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت نیوز کے لیے، وقت نکالا آپ نے، اس معاملے کو اٹھایا تھا وقت نیوز نے۔ اب جاننا آپ سے یہ چاہیں گے کہ پانی بحران کے حل کے لیے اب آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں اور کتنا وقت مزید درکار ہے؟ جی تھینک یو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پانی کا مسئلہ جو یہ ہمارے پاس ہو رہا ہے، یہ پانی کا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ وفاق سے چلی گئی ہے، جب صوبے میں آئی ہے، یہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو ہمارے پاس سب سے بڑا جو مسئلہ ہو رہا ہے وہ پانی کا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد بھی ہم نے اس کے جنریٹر ایشو ہمیں پرووائڈ کیے ہیں، اس کا پیٹرول وغیرہ، تو ہم ان شاء اللہ اب جس میں سے ہم 100 میں سے 50% پانی کا مسئلہ حل کر چکے ہیں۔ میں اور ڈپٹی کمشنر ہم دونوں مل کے اس مسئلے کو ہم نے اٹھایا تھا، 50% مسئلہ حل کر چکے ہیں۔ ان شاء اللہ جو باقی 50% رہتا ہے، ان شاء اللہ وہ بھی ہم ایک ہفتے کے اندر ان شاء اللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ شہریار وسان ہمارے ساتھ موجود ہے، چیئرمین ڈسٹرکٹ خیرپور۔ ان کا کہنا تھا کہ کافی حد تک اس معاملے پر قابو پا لیا ہے اور ابھی اقدامات بھی جاری ہیں۔ بلٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ٹھٹھا میں 300 بچے تھیلیسیمیا کے موذی مرض کا شکار ہو گئے۔ غریب والدین بچوں کے علاج معالجے کی سکت نہیں رکھتے، انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے شہر میں ایک اسپتال تعمیر کروانے کی درخواست کی ہے۔ سندھ میں ترقی کے دعوے کرنے والی سائیں سرکار کو عوام پر کب رحم آئے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو ٹھٹھا کے مکین اپنے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے پوچھ رہے ہیں۔ 10 لاکھ کی آبادی والے شہر ٹھٹھا میں غربت و فقر کشی کا راج ہے۔ یہاں 300 سے زائد بچے تھیلیسیمیا جیسے موذی مرض کا شکار ہو چکے ہیں۔ والدین کے پاس علاج معالجے کے اخراجات اٹھانے کی سکت نہیں۔ 22 بیڈ ہے، 22 بیڈ میں سے ہمارے پاس 8 یا 10 یا 12 پیشنٹ بلڈ ٹرانزفیوژن کے ہوتے ہیں ER میں۔ اتنے پیشنٹ ہمارے آکوپائڈ ہوتے ہیں روزانہ کے بنیاد پہ۔ میری گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہاں پہ ہمیں مین ٹھٹا ڈسٹرکٹ میں ہمیں ایک تھیلیسیمیا کا سینٹر دیں، تاکہ ہمارے جو بھی پیشنٹ، جو بھی پیرنٹس سروائیو کرتے ہیں ان کو، تاکہ ایک فیسلٹی ملے یہاں پہ مین ڈسٹرکٹ میں۔ ہم کو کبھی بھی حکومت نے اتنے سہولت نہیں دی ہے کہ ہم کو بلڈ ارینج کریں، کہ ہم اپنے بچے کو بلڈ چڑھوائیں۔ والدین کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سے اور کچھ نہیں مانگتے، براہ کرم ہمارے بچوں کے علاج معالجے کے لیے ہسپتال قائم کیا جائے، بچوں کو خون کی اشد ضرورت ہے، مگر ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں کہ خرید کر بچوں کو خون لگوا سکیں۔ ایک اور اہم خبر شامل کریں گے۔ حیدرآباد کے سرکاری اسکولز میں مفت داخلے کی مہم بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ سرکاری اسکولوں میں داخلہ فارم 200 سے 300 روپے تک میں فروخت ہو رہا ہے، جس پر والدین سراپا احتجاج بن گئے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ وقت نیوز جہانزیب علی سے۔ جہانزیب علی بتائیے گا، یہ تو مفت داخلہ اسکیم تھی اور پیسے وصول کیے جا رہے ہیں، کیا تاثرات ہیں والدین کے؟ جی، حکومت سندھ کے محکمہ تعلیم کا نظام آج بھی نہیں بدل سکا ہے۔ حیدرآباد میں سرکاری اسکولوں میں تعلیم مفت، داخلہ مفت کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ایک طرف محکمہ ایجوکیشن افسران ریلیاں نکال کر عوام کو آگاہی دے رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو مفت میں تعلیم سرکاری اسکولوں میں دلائیں، تو دوسری طرف گورنمنٹ مدرسہ سسل بنا دائے پھول سٹی میں داخلہ فارم 200 روپے 300 روپے میں زبردستی اسکارف اور ریبن خریدنے پر والدین کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ اسکول انتظامیہ نے اسکول کے سامنے ایک جنرل اسٹور پر داخلہ فارم رکھوا دیے ہیں، جہاں پر وہ 200 روپے اور داخلہ فارم لے رہے ہیں۔ والدین کا کہنا ہے کہ حکومت سندھ محکمہ تعلیم میں جو ہے بجائے پیسے لے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صوبائی وزیر تعلیم۔ جی بہت شکریہ جہاں زیب علی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ رکنے سندھ اسمبلی راشد خلجی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، بہت شکریہ راشد صاحب آپ کا۔ یہ مفت داخلہ اسکیم کے ہمارے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، جو کہ حیدرآباد میں متعارف کروائی گئی تھی اور اب اس میں پیسے وصول کیے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں، یہ پیپلز پارٹی کا ایک، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اتنے اہم توجہ پورے پاکستان کی عوام کی توجہ مبذول کرائی۔ بالخصوص یہ جو واقعہ آپ جس کی نشاندہی کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی حکومت کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے اعلان کر دیتے ہیں لیکن عملی اقدامات کچھ نہیں ہوتا، اور کرپشن میں پی پی حکومت ڈوبی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی ایک چھوٹا سا ثبوت ہے کرپشن کا، ایک اسکول کا یہ حال ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ محکمہ تعلیم کا انہوں نے کیا حال کر رکھا ہوگا۔ اور جہاں تک بات ہے حکومت سندھ کی، تو حکومت سندھ نے سندھ کے اندر ایجوکیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کر رکھی ہے، فری ایجوکیشن کا انہوں نے نعرہ لگایا ہے۔ جی، لیکن ہم بارہا اسمبلی کے فلور پہ بھی یہ نشاندہی کرتے رہے ہیں، اور ساتھ کے ساتھ ہم نے یہاں متعلقہ جو ان کے آفیسرز ہیں ایجوکیشن کے، ڈسٹرکٹ لیول کے افسران ہیں، ان تک سے ہم نے بات کر کے اپنا تعاون کا یقین دلایا۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ محکمہ تعلیم کے منسٹر اور یہ سندھ حکومت یہ چاہتی نہیں ہے کہ سندھ کے اندر تعلیم کا معیار بہتر ہو۔ ابھی کچھ دنوں پہلے جب امتحانات کا سلسلہ چل رہا تھا، تو کھل کر نقل ہو رہی تھی
और उस हवाले से भी सिंध हुकूमत ने कोई किरदार अदा नहीं किया। तो ये तो सिंध हुकूमत की बिल्कुल नाकामी और नाहली का मुंह बोलता सबूत है। तो इस वक्त मैं तो यही कह सकता हूँ कि इस हवाले से पूरे पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को मिलकर एक ऐसी एजुकेशनल पॉलिसी और एक ऐसी दाखिला पॉलिसी पर बात करनी चाहिए कि जिसके अंदर गरीब माँ बाप अपने बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट तालीम दिला सकें और सब चीज़ें उन्हें स्कूल से मैसर हैं। ये जो तरीक़ाकार इख्तियार किया ये सिंध हुकूमत के उन जरूरी कारनामों की एक मिसाल है जो वो पीपल्स पार्टी वाले करते रहते हैं। इसी तरह वो लोगों के दावे बहुत करते हैं लेकिन अमली तौर के ऊपर वो इसी तरह के इकदाम करके करप्शन को फरोग देते हैं। अमली तौर पर इकदाम नहीं किए जाते। बहुत शुक्रिया राशिद खिलजी साहब रुकने सिंध असम्बली हमारे साथ मौजूद थे। मीरपुर खास में तालीम की अहमियत के बारे में आगाही रैली निकाली गई जिसमें महकमा तालीम के मुलाजमीन और अवाम ने भरपूर शिरकत की। आगाही रैली में शरीक अफराद ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर नकल माफिया और नकल की रोकथाम के लिए नारे दर्ज थे। शिरका से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि उन्हें अपनी नस्ल को बचाने के लिए नकल जैसी लानत को जड़ से उखाड़ फेंकना है, तब ही हम अपनी नस्लों को आला तालीम याफ्ता बना सकेंगे। खबर आपको देंगे लाड़काना से जहां पर 70 साला शख्स ने अपने बेटे के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया है और आला हुकाम से इंसाफ फराहम करने की अपील की। सरापा एहतजाज 70 साला फकीर मोहम्मद अली का कहना है कि आज से 12 साल कबल उसके नौजवान बेटे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। कत्ल का मुकदमा भी दर्ज किया गया लेकिन ना तो किसी ने आज तक इंसाफ दिया और ना ही किसी ने उसकी दादरसी की है। मेयर हैदराबाद सैयद तैयब हुसैन का कहना है कि बल्दियाती मसाइल के हल के लिए किसी खिदमत से पीछे नहीं हटेंगे, बिला इम्तियाज खिदमत पर यकीन रखते हैं, सेहत और सफाई हमारी अव्वलीन तरजीह है। लतीफाबाद में सफाई मुहिम के तहत यूनिट नंबर 12 खुदा हाफिज बोर्ड से यूनिट नंबर 8 थाना तक शाहराहों की सफाई का खसूसी ऑपरेशन किया गया। तमाम अमूर का मुआयना करने के बाद वक्त न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मेयर हैदराबाद ने कहा कि हैवी मशीनरी के जरिए शाहराहों के अतराफ मिट्टी और कचरा उठाया गया, शाहराहों पर नस्ट मोन्यूमेंट से साफ कराए गए और उन्हें फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से धुलवाया गया। इस मौके पर जरासीम कुश और मच्छर मार अद्वियात का स्प्रे भी किया गया। हम चाहते हैं कि इस शहर को जो पैकेजेस मिलने की बात हो रही है हम उस पे चाह रहे हैं कि उस पे इम्प्लीमेंट हो और टाइमली मैनर में हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। वो कोशिशें हम कर रहे हैं। आज भी हमने अपने 12 नंबर के इलाके में जो सफाई का माहौल बनाने की कोशिश की है, जो स्प्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कि कम से कम हम एक चीज़ तो दें पब्लिक को। शहरियों ने साफ सुथरा सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए मेयर सैयद तैयब हुसैन की काविशों को सराहा और कहा कि सफाई मुहिम को हर सूरत पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। और अब खबरें शामिल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से। पारा चिनार के मसरूफ तरीन पंजाबी बाजार और कुर्मी बाजार को रेड जोन करार दिए जाने के बाद कारोबार शदीद मुतासिर है। परेशान हाल दुकानदारों का कहना है कि दहशतगर्दी के मुतासिर इलाकों को रेड जोन करार देना किसी मसले का हल नहीं है। दहशतगर्दी के हालिया वाकयात के बाद जहां कीमती जानों का जिया हुआ वहीं गाड़ियों दुकानों और मकानात को भी नुकसान पहुंचा। धमाके के बाद एजेंसी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और जायज धमाका के इर्द गिर्द के इलाकों को रेड जोन करार दे दिया गया है। इन इलाकों में गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है जिससे पारा चिनार के पंजाबी बाजार, करमई बाजार, मस्जिद रोड और मुल्हिका इलाकों में कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। कारोबारी लोगों का कहना था कि ग्राहक नहीं आते जिसकी वजह से उन्होंने ज्यादातर मजदूर फारिग कर दिए हैं। ये धमाके से पहले जो हालात थे उस वक्त हमारा कारोबार बहुत अच्छा था। अभी कारोबार इस तरह है कि बाजार को लोग आते नहीं, बिल्कुल कारोबार खराब हो गए और यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ है। हुकूमत से अपील करते हैं कि वो आवाम के साथ अच्छा सलूक करवा रखे। दुकानों पे बैठे हैं, सख्त सिक्योरिटी की वजह से ग्राहक दुकानों पे नहीं आते। हम दुकानों के हर से हम जेब से अदा करते। सिक्योरिटी इंतजाम बारे शहरियों का कहना था कि दहशतगर्दी से बचने के लिए सिक्योरिटी इंतजाम जरूरी हैं। अगर दहशतगर्दी से मुतासर इलाकों को रेड जोन करार देना मसले का हल नहीं। और नाज़रीन तालीम के फरोग के लिए फाटा में तालीमी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इसी हवाले से पारा चिनार में एक तकरीब का इनेकाद किया गया और आगही वॉक भी की गई।
गवर्नर हाउस पाराचन्नार में फाटा सेक्रेटेरिएट और गवर्नमेंट पार्क रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से फाटा में जो तालीमी इमरजेंसी नाफिज की गई, कुरम एजेंसी में इसको 100% अमली जामा पहनाया जाएगा और तमाम बच्चों के स्कूल में दाखिले को यकीनी बनाया जाएगा। हम फख्र से कहते हैं कि फाटा में कुरम एजेंसी तहजीब के लिहाज से, तालीम के लिहाज से सबसे मुकदम और अव्वल है, लेकिन इसको अगर हम आगे ले जाएंगे, चूँकि एक चीज को टॉप पे ले आना आसान है लेकिन उसका मियार बरकरार रखना मुश्किल है। तकरीब के बाद तालीम की अहमियत के बारे में आगाही वॉक भी की गई, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल्स के तुलबा, असातिज़ा और अमायदीन इलाका ने भी शिरकत की। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर तालीमी इमरजेंसी के हवाले से नारे दर्ज थे। उधर दीरबाना में भी तालीम की अहमियत को उजागर करने और फरोग समेत सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन का कहना था कि असातिज़ा पहले से ज्यादा तवज्जो से बच्चों को जेवरी तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। सेमिनार से खताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि केपी में पहले की निस्बत अब तालीमी हालात कदरे बेहतर है। असातिज़ा पूरी दिलजमई और दिलचस्पी के साथ अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में असातिज़ा की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने स्कूल में मयारी तालीम बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा किया। मुकर्ररीन ने तुलबा को मुखातिब करते हुए कहा कि वो अपनी तालीमी तरबियत पर तवज्जो दें और हुसूल इल्म को अपना अव्वलीन मकसद के तौर पर अपना कर तालीम याफ्ता माशरे की तकमील में अपना किरदार अदा करें। चित्राल में शजरकारी मुहिम जोरों शोर से जारी है। अदालत में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चित्राल सूफिया वकार खटक ने दियार का पौधा लगाकर मुहिम में अपना हिस्सा डाला। एक हफ्ते तक जारी रहने वाली मुहिम में जिले भर में पौधे लगाए जाएंगे। चित्राल में शजरकारी मुहिम जारी है। इस सिलसिले में सेशन कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सोफिया वकार खटक, सीनियर सिविल जज आबिद जमान, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सजादुल्ला एडवोकेट और रुकन पाकिस्तान बार काउंसिल अब्दुल वली खान ने अदालत के हादसे में दियार के पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम में अपना हिस्सा डाला। वकला का कहना है कि हम महकमा जंगलात के इस इकदाम को कदर की निगाह से देखते हैं, क्योंकि इससे दरख्तों की कमी पर काबू पाया जाएगा। चित्राल में गैस है और न ही बिजली, मजबूरन लोग जंगल की लकड़ियों को जलाकर खाना पकाते और घरों को गर्म रखते हैं। अगर कटाई का यह सिलसिला जारी रहा तो 10 साल बाद जंगल का नामो निशान न होगा। बिजली का मुनासिब बंदोबस्त ना हो जाए, अगर गैस का मुनासिब बंदोबस्त ना हो जाए तो फिर ये मेरे ख्याल में कोई 10 साल बाद जाके यहाँ पे कोई लकड़ी का एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। हमारे महकमे जंगलात के जो अहलकारान ने तसलसल शुरू किया है, ये बहुत ही अहसन इकदाम है। सूबे के दिगर अजला में इसकी अफादियत जरूर है। वकील रहनुमाओं ने मजीद बताया कि हर शहरी को चाहिए कि वो एक पौधा जरूर लगाए और उसे परवान भी चढ़ाने की कोशिश करे। इस मौके पर सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर और महकमा जंगलात का दीगर अमला भी मौजूद था। कराची से खैबर तक अहवाल आपने मुलाहिजा किया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए वक्त के साथ।